कितना अच्छा लग रहा है। हाँ पूजा, आज तुम वाकई में बहुत सुंदर लग रही हो, देखो तो सही। अरे देवयानी, हाय एवरीबॉडी। कितनी देर लगा दी तूने इसे यहाँ क्यों बुलाया? तू जानती हो कि प्लीज आज वो मेरी गेस्ट है, आओ ना। लगता है शायद निकिता को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। छोड़ो ना, शी विल बी फाइन इन अ व्हाइल। वैसे मैडम आप मुझे कंग्रेचुलेट नहीं करेंगी? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। खोलो। देखिए तो सही, देवयानी मैडम क्या लाई है। वाओ बहुत सुंदर है। जानती हो पूजा ये क्या है? ये एक लकी चार्म है, इसे पहनने से तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी और तुम्हारा मंगेतर हमेशा तुम्हारा दीवाना बना रहेगा। Really? 100%। Oh, wow, thanks. अरे निकिता, पूजा कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई, कितनी देर लगा रही है। आंटी आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? तुझे क्या पता बेटी की शादी में माँ बाप को कितनी टेंशन होती है। लेकिन तू अकेली आई, विशाल नहीं आया? नहीं आंटी, वो तो कलकत्ता गया हुआ। तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, भगवान करे पूजा और विक्रम भी हमेशा इसी तरह खुश रहे। लो आ गई। क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? कुछ नहीं आंटी, बस इतना कह रही थी कि तेरी शादी जल्दी से हो जाए और इनके सर पर से बोझ उतरे। हो ही नहीं सकता। पता है निकिता, अगर माँ का बस चले ना तो मुझे ससुराल भेजने की जगह विक्रम को ही घर जमाई बना ले। मम्मा जल्दी चलो, साइकिल अंकल आ गए। ओ गॉड, वो आ गए और मैंने तो दरवाजे पे तोरण ही नहीं लगाया। मुझे बताइए ना कहाँ रखी है, मैं लगा देती हूँ। आखिर वो दिन आ ही गया कि हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। देख लो, अब तो हम लोग समधी बनने वाले हैं। समधी? देखो खन्ना, दोस्ती का गलत फायदा मत उठाना वरना मुझे समधी वाले नखरे दिखाने होंगे। पहले आप ये बताइए कि हमारे वो मैन ऑफ द मैच कहाँ हैं, जिनके लिए ये सब तामझाम हो रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारे दूल्हा आने में थोड़ा वक्त लगाएगा। हाँ अभी देर लगेगी, और पहले क्या हमारी दीदी के पीछे यूं भाग रहे थे। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया, तुम लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना, चलो अंदर चलो। आई, आई, आई। Sorry. But I'm not. जी? आपने कुछ कहा? कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं, I'm sorry, मेरी गलती थी, मेरी वजह से आप गिर गईं। क्या मैं जान सकती हूँ ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पूजा, मैं वो तोरण लगा रही थी और मेरा पैर फिसला और फिर और ये सीधे तुम्हारी गोद में आके गिर गई। हाँ नहीं नहीं, actually अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? By the way, ये है देवयानी, मेरी दोस्त। And देवयानी, this is Vikram, my fiance. Hi. Hi. Nice to meet you. अब मिस्टर विक्रम, अगर आप बुरा ना माने तो अंदर चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो। चलो देवयानी। आप दोनों जाइए, मैं काम खत्म करके आती हूँ। ओके, पर जल्दी आना। चले? चलो। लगता है जल्द ही आना पड़ेगा। सौभाग्यवती हो कन्ना, अब तुम्हारी बेटी हमारी हुई,
और तू मेरा ऑफिशियल संबंधी हो गया। अरे गले नहीं लगेगा क्या? हाँ भाई, आज मुझे भी तो बेटा मिला है। आजा, आजा। हम संबंधी हो गए खन्ना। हेलो जी, इसे कहते हैं बात। इस बात पे तो मुंह मीठा करना चाहिए। मैं अभी ले आई। सब लोग कितने खुश हैं ना? और तुम? Of course I'm happy. हाँ, एक बात का दुख है मुझे। अब देखो ना, हमारा रोका है और तुम्हें तो पता है मुझे रसगुल्ले कितने पसंद हैं। मुझे किसी ने रसगुल्ला नहीं दिया। बस इतनी सी बात? तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। May I join you? करे आप? Yeah, sure. रसगुल्ले? आपको कैसे पता चला कि मुझे रसगुल्ला खाना था? दिल की बातें समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कभी कोशिश करके तो देखिए। Interesting. काफी दिलचस्प है आपकी बात। वैसे आप करती क्या है? I mean, professionally? कुछ खास नहीं, बस यूं ही बेजान चीजों में जान फूंक देती हूँ। जी? आप तो घबरा गए। I'm into pottery. आप आइए ना कभी मेरा काम देखने के लिए। वैसे इन दिनों मेरा एग्जीबिशन चल रहा है। या? जरूर आऊंगा। तो ठीक है, कल शाम 8:30 आर्ट गैलरी पर आएंगे ना? ओके, अलविदा। मुझे अब जाना चाहिए, आपसे कल मुलाकात होगी। आइएगा जरूर। पूजा, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? बहुत देर हो गई, फिर कभी मिलेंगे। But thanks for a wonderful night. Sure? Mm-hmm. And thank you so much for coming. Good night. Bye. मिले मेरी दोस्त से। Isn't she interesting? अरे ये तुम्हारे पास कहां से आए? तुम्हारी दोस्त ने मुझे दिया। लो, मैं पूरा का पूरा स्टॉल ढूंढ के आ गई और उसे मिल गए। और तुम खा भी गए? वेरी स्मार्ट। कल सुबह बीजी से बात करता हूँ, फिर चट मंगनी और पट ब्याह। ठीक है, हम लोग भी पंडित को बुलवा लेते हैं और सगाई की तारीख तय कर लेते हैं। उसके बाद शादी के मुहूर्त निकलवा के और बाकी बातें भी कर लेंगे। बाकी बातें? डैडी आप समझ नहीं रहे, अंकल लेन देन की बात कर रहे हैं। अंकल अगर आपको दहेज में कुछ देना ही है ना, तो आप चंचल को दहेज में दे दीजिए। अंकल इसमें आपका ही फायदा है, अगर ये हमारे यहाँ काम करेगी तो थोड़ी पतली हो जाएगी। हेलो। हे वुड बी, व्हाट्स हैपनिंग? अरे क्या बात है, तुम तो एक ही रात में बदल गए। एब्सोल्युटली, अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होने वाला पति हूँ। सो हाउ यू फीलिंग? तुम खुश तो हो ना? फोन पे नहीं बताऊंगी, जब मिलोगे तब बताऊंगी। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। ओ, आज शाम को तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे माँ के साथ मार्केट जाना है। यू नो, मैंने सोचा था पहले हम देवयानी के एग्जीबिशन में जाएंगे और उसके बाद एक फर्स्ट क्लास कैंडल लाइट डिनर। अरे पर देवयानी का एग्जीबिशन तो 6:00 खत्म हो रहा है। पर देवयानी ने मुझे शाम को बुलाया था। वो तुम जाना और देवयानी, एक्चुअली हम लोग अभी जा रहे हैं, तुम फ्री हो तो आओ ना। नहीं नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम एक काम करो, तुम देवयानी को मेरी तरफ से सॉरी कह दो। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो अगर उसने तुम्हें इनवाइट किया तुम्हें जाना ही चाहिए।
वो जरा टची है, बुरा मान जाएगी। ओके, आई ट्राई। पर हमारा कल का डिनर पक्का, नो चेंज ऑफ प्लान्स। ओके ओके, बाय बाय। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू विक्रम को एग्जीबिशन में जाने के लिए इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही है। अरे सीधी सी बात है, देवयानी ने उसे इनवाइट किया, उसे जाना ही चाहिए। तू जानती है कि देवयानी ने विशाल के साथ क्या किया, और फिर भी तू। देवयानी ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन विशाल भी उतना ही जिम्मेदार है। और वैसे भी निकी, अगर विशाल चाहता तो वो देवयानी को रोक सकता था। देवयानी को रोकना इतनी आसान बात नहीं है, वो सामने वाले पर ऐसा जादू चलाती है कि वो उसकी तरफ खींचा चला आता है। ओ निकी प्लीज, यू नो व्हाट, बीवियों की आदत होती है पतियों की हरकतों को छुपाने के लिए जादू टोने के बहाने बनाने की, ये सब बकवास होता है यार। पूजा तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है, मुझे देवयानी के इरादे ठीक नहीं लगते। वो विक्रम को उसी तरह देख रही थी कल जिस तरह वो पहले विशाल को देखा करती थी। देखो निकी, देवयानी चाहे जो भी करे, मुझे विक्रम पर पूरा विश्वास है। निकी, विक्रम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। भगवान करे तेरी बात सही हो, मैं तेरी दोस्त हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू और विक्रम हमेशा खुश रहें, साथ रहें। तुम दोनों को कभी भी कोई भी अलग नहीं कर पाए। बस जो कुछ भी तूने अभी कहा ना, वही होगा। तू इतनी टेंशन मत ले, और अभी तू मेरे साथ चल एग्जीबिशन में। नहीं, मुझे नहीं जाना। निकी, कहीं निकी जो कह रही थी वो सच तो नहीं? नहीं नहीं, मेरा विक्रम ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि एग्जीबिशन खत्म हो चुका है, काफी सारी चीजें भी बिक चुकी है। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर एग्जीबिशन खत्म हो गया है तो फिर मुझे चलना चाहिए। एग्जीबिशन तो आम लोगों के लिए खत्म हुआ है, आप जैसे खास लोगों के लिए एग्जीबिशन तो अब शुरू हुआ है। स्पेशल शो फॉर स्पेशल पीपल। वाइन लेंगे आप? जी नहीं थैंक्स, मुझे चलना चाहिए जल्दी। चले जाइएगा, रोकूंगी नहीं मैं आपको। लेकिन जाने से पहले क्या आप मेरी खुशी में शामिल नहीं होंगे? जी क्यों नहीं, अगर आप कहती हैं तो। चीयर्स। ये जाम आपके एग्जीबिशन के नाम। ये जाम हमारी पहली हसीन शाम के नाम। आइए मैं आपको अपना कुछ खास काम दिखाती हूँ। तुमने कभी गीली मिट्टी को छू के देखा है विक्रम? नहीं।
एक अलग ही एहसास है गीली मिट्टी को छूने का. इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. इसे आप अपने प्यार से, जुनून से, मनचाहा रूप दे सकते हैं. जिंदा कर सकते हैं. दैट इज क्रिएटिविटी. सृजन के सुख को मेरे साथ महसूस करो विक्रम. इसे महसूस करो, महसूस करो. ये चलना चाहिए. आना ही होगा विक्रम, क्योंकि तुम ही मेरे सृजन के साथी हो. ऐसा क्यों कर रही थी? It's very strange. क्या पूजा जानती है देवयानी किस तरह की लड़की है? शायद नहीं. But I must tell her. I must tell her. पता नहीं पूजा को क्या लगेगा. घबरा जाएगी वो. Oh God. मैं पूजा को कुछ नहीं बताऊंगा. ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. अरे विक्रम, तुम इतनी रात गए यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कल के पिक्चर की टिकट मैंने ले ली है, तो कल पहले पिक्चर देखेंगे और उसके बाद डिनर, ओके? इतनी सी बात बताने तुम यहाँ है वो भी इस वक्त? क्यों? नहीं आ सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है. खैर छोड़ो, तुम बैठो और बताओ क्या लोगे. नहीं नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स. अरे हाँ, तुम तो देवयानी की एग्जीबिशन में गए थे ना, कैसा लगा उसका काम? ठीक था, अच्छा था. अरे ये क्या लग गया तुम्हारी कोट पे? पता नहीं, कुछ लग गया होगा शायद. ओह लाओ, मैं साफ कर देती हूँ. तुम्हारे ऊपर कोई भी दाग अच्छा नहीं लगता. फिर मैं पहनूंगा क्या? क्यों, पापा के इतने सारे कोट है ना, कोई भी लाके दे दूंगी. अरे नहीं नहीं, पापा का कोट नहीं. अच्छा देखो, काफी रात हो गई है, मैं चलता हूँ. हाँ कल मिलते हैं. यू टेक केयर. हेलो. हाय. हाय पूजा. हाय देवयानी. पता है क्या, विक्रम अभी यहाँ आया था और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था. आहा, really? और क्या, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अच्छा सुनो, मैंने कल तुम दोनों के लिए एक रोमांटिक डिनर अरेंज किया है. मेरे मेहमान बनना चाहोगे तुम दोनों? Of course, why not? हम दोनों वहाँ जरूर आएंगे. तो फिर ठीक है, विक्रम को भी तुम मेरी तरफ से इन्वाइट कर देना. और हाँ, कल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना. ओके ओके मैम, मैं जल्दी जरूर आऊंगी. ओके बाय बाय. विक्रम, तुम पूजा की वजह से मेरे पास नहीं आ रहे थे.
लेकिन देखना अब पूजा खुद तुम्हें मेरे पास लेकर आएगी। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह कैसे याद किया? अरे कभी तो मेरा नाम ले लिया करो, क्या वुड भी बोलते रहते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले अपने पापा से कहकर जल्दी से हमारी शादी करवा दो, उसके बाद मैं तुम्हें वुड भी कहना बंद कर दूंगा और मिसेस सहगल कहना शुरू कर दूंगा। और हाँ, अगर आपने चाहा तो बहुत जल्दी चुन्नू मुन्नू की अम्मा कहना भी शुरू कर दूंगा। विक्रम, अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तो मैं अभी फोन रख रही हूँ। अच्छा अच्छा, पहले ये तो बताओ किस लिए फोन किया था? मैंने ये बोलने के लिए फोन किया था कि आज रात को हमें देवयानी के यहाँ डिनर के लिए जाना है। और देखो, नो बहाने बाजियां प्लीज। पूजा, मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, तुम चली जाओ ना। विक्रम, दिस इज नॉट फेयर। देखो, कल तुम ही तो कह रहे थे ना कि आज हम दोनों कैंडल लाइट डिनर करेंगे। अब वो तो अच्छा हो गया ना कि देवयानी ने हमें डिनर के लिए बुला लिया। प्लीज विक्रम, इनकार मत करो ना। ठीक है, लेकिन साथ चलेंगे हम लोग। ओ, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं पहले देवयानी की हेल्प करने जा रही हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम ऑफिस से सीधे वहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। अरे बाप रे, हेलो। हाय पूजा, देवयानी। ओह देवयानी, मैं बस दो मिनट में निकल रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी। अब ये सॉरी वॉरी छोड़ और जल्दी से मेरा एक काम कर दे। पता है मैंने जू आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम मंगाई थी और अब वो लोग भेजने से मना कर रहे हैं, तू आते वक्त ले आएगी प्लीज। ओ, पर अगर मैं ट्रैफिक में फंस गई तो? पता है आज मेरी गाड़ी भी गैराज में गई है, वरना मैं तुझसे कभी नहीं कहती, प्लीज लेकर आएगी। ओके, डोंट वरी, मैं ले आऊंगी। ऑलराइट, बाय पूजा, सी यू सून। जाओ, हम किचन में हैं। हाय। हाय। पूजा नहीं है? उसे आने में शायद देर लग जाएगी, और फिर मैं तो हूं ना। देवयानी, तुम भी क्यों ही? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है, तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहती हूँ। So just let go of yourself. Get off, देवयानी, what are you doing? तुम पूजा की दोस्त हो। पूजा की फिक्र मत करो, उसे आने में अब देर लगेगी। साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे कितना मना किया लेकिन वो प्लीज बंद करो अपना बेहुदा नाटक।
मैं तुम्हें और तुम्हारी फितर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और जब तुमने मुझे आइसक्रीम लेने इतनी दूर भेजा, जबकि ये आइसक्रीम तुम्हारे घर के पीछे ही मिलती है, तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और तुमने जो कुछ भी विशाल के साथ किया ना, वो भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे आइसक्रीम लेने के बहाने भेजकर तुम विक्रम के साथ, मुझे मेरा यकीन मानो, विक्रम ही मेरे शरा। और अपनी गंदी जुबान से विक्रम का नाम लेने की जरूरत भी मत करो। विक्रम ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। हर एक बार तो डाइन भी सात घरों को छोड़े, लेकिन तुमने तो अपनी दोस्त तक को नहीं छोड़ा। एंड नाउ मिस देवयानी, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई लाइफ। चलो विक्रम। क्या सोच रहे हो? यही कि मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि देवयानी का बिहेवियर कुछ अजीब सा है। तो फिर विक्रम तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे लगा देवयानी तुम्हारी दोस्त है और शायद तुम मेरी बात पे यकीन ना करो। विक्रम, देवयानी सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया है। और विक्रम, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ऐसे क्या देख रहे हो? आज मुझे तुम्हारा नया रूप देखने को मिला है। कितनी बदल गई हो तुम पूजा। मैं तो हमेशा से ऐसी थी, शायद तुमने कभी पहले देखा ही नहीं। You know, पूजा, आज तक मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं ये नहीं जानता था मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूं। मुझे लगता था तुम मुझे सिर्फ अच्छी लगती हो, पर नहीं। आज मुझे पता चला कि मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की के साथ शादी करना चाहता था। ऑलवेज। पता है विक्रम, मैं हमेशा तुम्ही से प्यार करती थी, तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती थी, तुम्हारे मुंह से सुनना भी चाहती थी, पर आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आई लव यू पूजा। दोस्त तक को नहीं छोड़ा। तुमने ठीक ही कहा था पूजा, डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन देवयानी किसी को नहीं छोड़ती। जो मुझे चाहिए बस चाहिए, मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेती हूं। माल अब भी तुम्हारी बदन की खुशबू से महक रहा है विक्रम, इसे यहां छोड़ दो, तुमने बहुत बड़ी गलती की।
माय गॉड, तुम्हें मेरे पास आने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा विक्रम। पूजा, पूजा, पूजा तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तुम शाम को क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, फिर शाम को पहले एक पिक्चर देखते हैं और उसके बाद डिनर, ओके? जो आ गया हुजूर। ओके बाय। हे माँ, हमारा ये प्यार हमेशा ही बनाए रखना, इसे कभी किसी की नजर मत लगने देना। सबके थिएटर की इवनिंग शो की टिकट्स बुक करा दी हैं और डिनर का टेबल भी रिजर्व करवा दिया है। थैंक्स। दिव्यानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं रोशनी हूँ, और ये दिव्यानी कौन है? हाँ ठीक है, तुम जाओ। कम इन। विक्रम, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूजा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मैंने तो अपने ही दोस्त के होने वाले पति को चाहा, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। देवयानी, इट्स ओके, जो हो गया उसे भूल जाओ। और वैसे भी हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। इट्स ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हेलो पूजा। विक्रम। हाँ इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ।
पिक्चर किसी और दिन देखेंगे। हाँ? Bye.